हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने के वड़े और बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं सोखेगा, क्योंकि वड़ा जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल सोखता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही क्रंची और बहुत कम तेल सोखने वाला ये वड़ा बन के तैयार होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप साबूदाना लिया है और अब इसमें पानी डाल देते हैं। तो इसे हमें 1 घंटे तक भिगो के रखना है ताकि अच्छे से साबूदाना फूल जाए। 1 घंटा हो गया है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए साबूदाना अच्छे से फूल चुका है, डबल हो गया है। तो इसे पानी से निकालने के बाद हम इसे किसी जाली वाले बर्तन में रख देंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। तो अब हम इसे बड़े बाउल में डाल देते हैं जिससे कि मिलाने में आसानी होगी। और इसमें 5 उबले हुए आलू डाल देंगे मैश करके। साथ में मैंने हरी मिर्च ली है कुटी हुई, आधा चम्मच उसे डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। मैंने यहाँ पे सीधा नमक यूज किया। अगर आप व्रत में बना रहे हो तो सीधा नमक यूज करें, अगर व्रत में नहीं तो आप नॉर्मल भी नमक ले सकते हैं। और भुनी हुई मूँगफली पाउडर डाल दिया है 5 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में हरा धनिया डाल दिया है छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। मूंगफली पाउडर से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। तो अच्छे से बड़े के डो को हमने मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आधे नींबू का रस यूज किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो नींबू के रस को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बड़े का डो तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, क्योंकि व्रत में अगर आप इसे बना रहे हो तो घी में बनाएं या मूंगफली के तेल में बना सकते हैं। और एक बड़ा सा डो ले लिया है, अच्छे से चिकना करके चपटा कर लिया है। तो अब हम इसे साबूदाने के आटे में अच्छे से लपेट लेते हैं। साबूदाने के आटे की रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जब हम इस पे साबूदाने का आटा लगाते हैं और जब फ्राई करते हैं तो बहुत ही कम तेल ये सोखता है। और बीच में होल कर लेते हैं, कुछ डोनट का शेप इसको दे देंगे। तो देखिए अच्छे से हमने इसे डोनट का शेप दे दिया है बड़े का, और बीच में भी थोड़ा सा साबूदाने का आटा लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हमें सारे ही बड़े तैयार करना है। मैंने यहाँ पे 4 बड़े तैयार कर लिए हैं और अब इसे हम घी में फ्राई कर लेते हैं। तो व्रत में आप घी का यूज करें और ऐसे आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। उसमें आप इसे हाई फ्लेम पर ही सुनहरा करना है, मीडियम या लो फ्लेम पर नहीं करना है। जब आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बहुत कम तेल या घी सोखता है। तो देखिए सुनहरा कलर हो गया है और ये बहुत टेस्टी लगता है। एक बार इसे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरीके से सारे साबूदाने के बड़े को हम फ्राई कर लेंगे। तो एक मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना ये क्रिस्पी बना है और हाथ पे बिल्कुल भी तेल या घी नहीं लगा है। तो बस आप भी इसे ज़रूर बनाइए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हरी चटनी के साथ इसे जब खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को ये रेसिपी शेयर करना भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसे और भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।